हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आपको 9th+1+2 10th की क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान से समझना है कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी और सिंपल वे से इनको पढ़ेंगे। तो आप हो सके तो साथ साथ नोट्स भी बना लीजिए, नहीं तो आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर उनसे भी अपने नोट्स बाद में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो फर्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको इनका जनरल सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो दिखते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इनके बाहर लेयर होती है सेल वॉल, ठीक है। ये जो सेल है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है एक तरीके की प्रोटीन है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है इनकी प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट लेयर जो है स्टूडेंट इनके, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो दीज टू लेयर्स आर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देख सकते हो, दिस इज सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनके साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले और भी जो हम लेयर्स जो हैं उनको पहले पढ़ लें डिटेल में। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो है आपको ये ग्रीन ग्रीन से दिख रहे होंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं पिलर। और स्टूडेंट, आपको ये बड़े से पिंक कलर के दो अलग से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। तो स्टूडेंट, फ्लैजेला, पिलाई एंड कुछ जो है ऑर्गन्स उनके अंदर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होते हैं पिलाई, ठीक है। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, पिलाई, फ्लैजेला एंड सीलिया जो है, ये स्टूडेंट आपने याद रखा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो उनको मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं, ठीक है, उनको मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इनके साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं राइबोसोम, प्लाज्मिड्स, ये आप ब्लैक कलर के देख सकते हैं छोटे छोटे, ये राइबोसोम है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर प्लाज्मिड एंड देन जो है स्टूडेंट इनके पास होते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड जो है स्टूडेंट, इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इनका जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं साइटोप्लाज्म के। तो हम देखते हैं वैसे जनरल नॉर्मल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो मतलब न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इनके सेल में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके सेल के साइटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियोइड ऐसे ही पड़े होते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो स्टूडेंट, ये था एक जनरल सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट, प्रो का मीनिंग होता है बिफोर, पहले। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो पहले वाला न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, बहुत ही पुराना सा न्यूक्लियस। सो पी से आपने याद रखना है प्रोकैरियोटिक और पी से आपने याद रखना है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, बहुत पुराना, मतलब सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं उसके अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इनके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके के सेल होते हैं जिनके अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। और इनके सेल की रेंज होती है 1 μm टू 10 μm।
प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई है वो बैक्टीरियल सेल की एग्जाम्पल है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल। दीज ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर उन्होंने मल्टीप्लाई करना है, अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। तो ये एक से दो बनते हैं, ठीक है, फिर दो से आगे फिर इनकी डिवीजन होती है, तब ये दो से चार, ठीक है, चार से आठ। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट जो है वो बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होते हैं। दे कंटेन ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम। तो इनके अंदर जो है एक ही क्रोमोसोम होता है जिसकी कॉइलिंग हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, ये है एक यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो है स्टूडेंट, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स, लाइसोसोम, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो इनके अंदर स्टूडेंट एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाकी सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ऑलमोस्ट इनके अराउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यूकैरियोटिक सेल की, वो क्या है कि इनका कुछ एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, कुछ एडवांस टाइप का इनका न्यूक्लियस होता है। उसका क्या मतलब है, मतलब इनके बाहर जो है, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन जो है वो अलग करती है, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनके अंदर वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। होप आपको ये समझ में आया होगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आप एज इट इज ही इसको लिख सकते हो कि इसके अंदर सभी, ऑलमोस्ट सभी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अराउंड एक ही मेम्ब्रेन होती है और इनके जो न्यूक्लियस होता है उनके अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है। तो यू का मतलब होता है एडवांस और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनका कुछ एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस। हर दीज सेल्स आर वेल डेवलप्ड एंड रिप्रेजेंट एडवांस सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कुछ डेवलप हुए सेल होते हैं, पूरे तरीके से डेवलप हुए सेल होते हैं और बहुत ही एडवांस सेल होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म, ये वाले सेल जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाले सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ लाइक अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, इनके अंदर भी कौन सा सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल। और बहुत सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स लाइक फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हैं। और इनके अंदर स्टूडेंट बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। और स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कई बार जो है बहुत सारी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट इसी टॉपिक पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल होते क्या हैं, और उनके बाद वो कहते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल किस में होते हैं फिर, ठीक है।
तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, एंड जो प्लांट एंड एनिमल सेल है वो यूकैरियोटिक सेल की ही एग्जांपल है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।